सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर देशभर के सभी राज्यों से आए युवा विद्यार्थी साथियों, आज हम सब सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर उनके योगदान को, आजादी की लड़ाई में उन्होंने जिस त्याग बलिदान पर आजादी दिलाई, उसके बाद भारत के नवनिर्माण में उनके योगदान पर चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच में भारत के शिक्षा और कौशल मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी भी आए हैं। आज हम देश के अंदर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू, यूनिटी ऑफ स्टैचू, जब मैं दुनिया के कई देशों के अंदर जाता हूं और वहां पर जब सबसे बड़े स्टैचू किसी महापुरुष की वर्णन होता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति का विवरण होता है। हमें गर्व होता है कि ऐसा व्यक्तित्व जिसने पहले आजादी की लड़ाई लड़ी, उस समय किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और उसके बाद भारत के नवनिर्माण में, भारत की एकता को बनाने में जिस सहज दूरदर्शिता से, जिस सहज समझ से और किस तरीके से भारत के अलग अलग रजवाड़ों को, अलग अलग राजाओं को, अलग अलग रियासतों को एकीकरण कर एक भारत, श्रेष्ठ भारत के निर्माण में योगदान दिया, आज हम उनके जीवन दर्शन पर विचार विमर्श करेंगे। मेरे सामने जो युवा पीढ़ी बैठी है, जो अलग अलग राज्यों से आई है, जिन्होंने वहां राज्य के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर प्रकाश डाला, उनके विचारों पर प्रकाश डाला, हम चाहते हैं कि ये नई पीढ़ी हमारे आजादी के उन आंदोलनकारियों को, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, कुर्बानियां दी और आजादी के बाद नव भारत के निर्माण में जिनका योगदान रहा, उनके जीवन को जाने, उनके विचारों को जाने और किस तरीके की वो पीढ़ी थी जो राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करती थी। आज जब ये नई पीढ़ी चर्चा करेगी, संवाद करेगी इस संसद के ऐतिहासिक कक्ष के अंदर, जहां हमें आजादी मिली, जहां भारत का संविधान बना, जहां 75 साल की इस लोकतंत्र की यात्रा में हमने एक मजबूत भारत, एक सुदृढ़ भारत, एक नए विचारों का सोचने वाला भारत बनाया और आज दुनिया के अंदर भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में, चाहे सीमा पर मजबूत हो, चाहे आर्थिक रूप से मजबूत हो, अन्नदाता के किसान के रूप में मजबूत हो, चाहे युवाओं की बौद्धिक क्षमता के रूप में, आज हमारा भारत दुनिया के अंदर सबसे उभरता हुआ देश है और उस उभरते हुए देश के अंदर सबसे बड़ा योगदान है तो भारत के नौजवान साथियों का है। और इसीलिए आज हम सब यहां राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर चर्चा करेंगे, आने वाली पीढ़ी किस तरीके से अपना योगदान इस देश को दे, अपने दायित्वों को, कर्तव्यों को निभाते हुए सामूहिक शक्ति के साथ, सामूहिक संकल्प योजना के साथ, हम सब अगर सामूहिकता के साथ काम करेंगे, मिलकर एक साथ काम करेंगे
तो हर चुनौतियों का समाधान भी करेंगे और दुनिया की चुनौतियों का समाधान भी करने का काम भारत करेगा। इसलिए आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे आशा है कि आज जब आप चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, देश के नौजवानों को ये चर्चा संवाद के माध्यम से अपने कर्तव्य दायित्वों को निभाने के लिए आप आह्वान करेंगे और आजादी के पहले और आजादी के बाद जिन महापुरुषों का योगदान रहा उनसे हम प्रेरणा लेकर इस केंद्रीय कक्ष के, ऐतिहासिक कक्ष के जाएंगे और आने वाले समय में हमारे कंधों पर नए भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने की जिम्मेदारी होगी। इसी के साथ आप यहां पर पधारे, आप सभी प्रतियोगी नौजवान विद्यार्थियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई।